हर जानवर कहीं हैप्टो और महीनों की मैनाट के बाद अपना घर तैयार करता है। इन्हें घर बनाने में इंसान से भी कई गुना ज्यादा मैनाट लगती है। इसके बावजूद भी कई मुसीबतों का सामना करते हुए ये अपना घर तैयार कर ही लेते हैं। आज की इस वीडियो में पक्षियों के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे घर दिखाने वाले हैं, जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। क्लिफ स्वालो नेस्ट्स। हर कोई अपना घर शांत और सेफ जगह पर बनाना चाहता है, पर इन पक्षियों के पास ऐसा नहीं है। ये चिड़िया अपना घोंसला हमेशा खाइयों और दीवारों के किनारों पे ही बनाते हैं। इसे देखकर ऐसा नहीं लगता ये मजबूत होते होंगे, पर असल में मिट्टी से बने ये घर काफी सहनशील और काफी स्ट्रांग होते हैं। ये पक्षी इतने काबिल और मैनाटी होते हैं कि कुछ दिनों में इन घोंसलों को तैयार कर लेते हैं। इन पक्षियों को भी कूल गिरने का डर नहीं होता। दोस्तों, इस अनोखे कराकरी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दे। सोशियबल बीवर नेस्ट्स। अब आप दुनिया की एक ऐसी चिड़िया देखने वाले हैं, जिनकी इंजीनियरिंग स्किल को देखकर सारी दुनिया हैरान है। गोरिया जैसे दिखने वाली इस चिड़िया का घोंसला दूसरी चिड़िया से बिल्कुल अलग होता है। ये इतना मजबूत और सही तरह से डिजाइन होता कि इनकी कई पीढ़ी इनमें कई समय तक रह सकती है। इन चिड़िया को झुंड में रहना पसंद है। इन घोंसली काफी विशाल होते हैं। इनके एक घोंसली में तकरीबन 400 चिड़िया रहती है। इनकी मैनाट और अनोखी घोंसली गूंजने के तरीके वजह से पूरी दुनिया इनके घोंसली को देखने आती है। बया बीवर। ये पक्षी आपको भारत देश में देखने को मिल जाएंगे। ये बरसात के सीजन में अपने घोंसली को तैयार करते हैं। नर पक्षी घास के लंबे टीन के और पालन के पत्तियों से घर बनाते हैं। कई बार इन्हें नदी के किनारे घर बनाते हुए देखा गया है। ये पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं। आपको एक पेड़ पे काफी घोंसली देखने को मिल जाएंगे। इनका घोंसला अब से बैंड होता है। इनके घोंसली में जाने का रास्ता सिर्फ नीचे से होता है। ये पक्षी दूसरे 3 दिनों में अपना घर बना लीट है। दोस्तों, आपका घर कौन से गांव या शहर में है, हमको कमेंट्स करके बताएं। रूफस हॉनरो। ये एक ऐसा बर्ड है जो किसी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट की तरह अपना घर बनाते हैं। इन्हें अपना घर बनाने में 2 या 3 हफ्ते का समय लगता है। ये अपना घर पेड्रो के ऊपर टानियों पे बनाते हैं। ये अपने घर को गोल आकार पे बनाते हैं ताकि अपने आप को और अपने बच्चों को बारिश से बचा सके। ये आजटा का नेशनल बर्ड भी है और सुंदरता के वजह से इसे रेड एवन बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। बी ईटर्स। बी ईटर्स नाम की ये चिड़िया बहुत सुंदर होती है। इनका शरीर लाल रैन और सानीलर और ब्लैक रैन का होता है। ये अपना घोंसला काफी अजीब तरह से बनाते हैं। ये नदी के किनारे में गड्ढा करके अपना घोंसला बनाते हैं। ये अन दीवालों में 2 से 3 मीटर गहरा गड्ढा कर देते हैं। ये इनकी अद्भुत कला के वजह से सांपों से भी अपने आप को बचा लेते हैं। ये पक्षी हमेशा झुंड में रहते हैं। इनके घोंसली को एक कॉलोनी के नाम ठीक होगा। मोंटेजुमा और अपेंडोला। आपने अभी तक कहीं सारा घोंसली देख लिए। अब आप जिस घोंसली को देखने वाले हैं, ये सबसे सुंदर घोंसली में से एक है। ये चिड़िया अपने घोंसली को एक अनोखे तरीके से डिजाइन काटी है। इनका घोंसला आराम से एक पेड़ पे लटक के झूलता रहता है। ये घास फूस को बूंद कर अपना घोंसला यू तैयार काटी है, जिसको देख कर आप सोच भी नहीं सकते। ये पक्षी भी झुंड में रहना पसंद करते हैं। कम से कम 30 घोंसली आप एक ही पेड़ में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस घोंसली में से कौन सा घोंसला सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने लिए थैंक यू।